हेलो गाइस, आरती किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का चीला, जिसके लिए मैंने वन बाउल सूजी ली है और वन बाउल कट लिया है, जिससे सबसे पहले मैं अपने बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी सूजी। और सूजी को मैं ट्रांसफ़र करने के बाद मैं दही लूँगी अपनी, जो उतनी ही मैंने दही ली है, और उसको मैं अच्छे से घोल दूँगी पानी मिलाकर, और इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी घोल कर। और इसके लिए मैंने एक ऑनियन ली है, एक प्याज और 2 शिमला मिर्च और एक गाजर का टुकड़ा लिया आधा, और इनको अच्छा छोटे छोटे करके कट कर लूँगी मैं नैना नैना। और उसके बाद मैं इन सभी चीज़ों को जो बैटर अपना बना के रखा हुआ था उसी में हम थोड़ा सा एक एक करके सारी सब्जियों को डाल के मिक्स करेंगे, और ऐसे फिर हमें थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा पानी डालना है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसमें पानी डाला हुआ है, और पानी ऐड करके इसे अच्छे से घोल लेंगे। और आप देख सकते हैं अच्छे से घुल चुका है हमारा बैटर बिल्कुल। और इसके बाद मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी इसमें। तो सबसे पहले लूँगी मैं चाट मसाला, और चाट मसाले के बाद मैं डालूँगी इसमें नमक स्वाद अनुसार, और नमक डालकर मैं इसमें ऐड करूँगी अपनी लाल मिर्च। और लाल मिर्च डालने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से हिला लूँगी, घोल लूँगी, मतलब मिक्स कर दूँगी मसाले अपने, और इसे रख दूँगी। अब मैं इसमें एक तड़का लगाऊँगी, जिसमें कढ़ाई में मैंने सबसे पहले रिफाइंड ऑयल लिया है थोड़ा सा, और इसमें मैंने अपना सरसों डाली है राई यानी कि, और इसमें मैंने डाले हैं धोके थोड़े से कड़ी पत्ते, और कड़ी पत्तों को अच्छे से वॉश करने के बाद मैं इनको थोड़ा सा अच्छे से इनको पका लूँगी। आप देख सकते हैं इनको पकाने के बाद मैं इसमें मिक्स कर दूँगी ये सारी चीज़ें। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बैटर में पूरी सारी चीज़ें डाल दी हैं, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने एक पैन पे, नॉनस्टिक पैन पे घी ऑयल लगाया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, घी लगाया है। उसके बाद मैंने इसको फैला दिया, आप देख सकते हैं मैं कलची की हेल्प से ही इसको फैला दूँगी अपना जो भी बैटर है सूजी का। और इसे धीमी आंच पे पकने देना, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा अंदर से, अगर आप लो फ्लेम की जगह तेज़ फ्लेम पर इसे पकाओगे तो। इसलिए मैं लो फ्लेम पर ही इसे पकाऊंगी। तो आप देख सकते हैं अब इसे मैं पलटूंगी थोड़ा सा, आप देख सकते हैं, और आसानी से ये पलट जाता है। और आप देख सकते हैं मैंने इसको पलट दिया, और काफ़ी सुंदर सा पक के तैयार हुआ है, और अच्छे तरीके से और धीमी आँच पर ही आपको पकाना है, आप देख सकते हैं, नहीं तो यह अंदर से कच्चा रह जाता है। और इसे पकाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना है, क्योंकि ऑयल से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और मैं इसको गार्निश करूँगी सॉस के साथ। तो आपको कैसी लगी वीडियो से कमेंट करके